तो अपन ने कल देखा था कि जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे जावा का प्रोग्राम बिल्ड करके किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला सकते हैं। ये आखिर पॉसिबल कैसे होता है? क्योंकि जावा का जितना प्रोग्राम है वो एक अनदर टूल पे चलता है जिसका नाम है JVM, स्पेशल टूल पे चलता है जिसका नाम है JVM, जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, बिना JVM के जावा का प्रोग्राम नहीं चलेगा। ठीक है, तो जावा का प्रोग्राम जो है वो डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं चलता है, किस पे चलता है? JVM। तो जहाँ भी चलाना है वहाँ पे क्या तुम इंस्टॉल कर दो JVM। ठीक है, वो प्लेटफॉर्म यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कोई सा भी हो बस वहाँ JVM डालना है। इसीलिए ये जो फैसिलिटी है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का कैसे मिल जाता है? JVM के थ्रू। यदि पूछा जाए कि भाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सीधा सा आंसर देना है ड्यू टू JVM, ऑल जावा प्रोग्राम रन इन साइड JVM। ठीक है, तो JVM क्या करता है? बाइट कोड समझता है। बाइट कोड का मतलब जावा का कंपाइल हुआ कोड। ठीक है, उसे जिस सिस्टम पे चलाना हो सिस्टम के इक्विवेलेंट रिकम्पाइल करता है JIT के हेल्प से। किसके हेल्प से? JIT के हेल्प से। यही सब कल बताया था। ठीक है, आर्किटेक्चर ही कह रहा है ना, और भी कुछ फीचर्स हैं वो देखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब कुछ फीचर भी देता है जैसे सिक्योरिटी का, है ना। सिक्योरिटी फीचर कैसे देता है? JVM जो है वो सैंडबॉक्स मैकेनिज्म काम करता है। सैंडबॉक्स मैकेनिज्म क्या होता है? इंटरनल एनवायरनमेंट से एक्सटर्नल को फर्क नहीं पड़ने देता, एक्सटर्नल से इंटरनल को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसे रैप करता है, ग्रैप नहीं रैप। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट कैसे करता है? इसके पास एक टूल होता है गार्बेज कलेक्टर, जो टाइम टू टाइम चलते रहता है अपने आप। ठीक है, जो बहुत देर से जो मेमोरी ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं हुआ है उसको रिलीज करके रिक्वायर्ड को अलोकेट रीअलोकेट कर देता है। ठीक है, बाकी स्पेशल हैंडलिंग बाद में देखेंगे। ठीक है, अब जावा का प्रोग्राम जो होता है वो हमेशा क्लास के अंदर ही लिखना पड़ेगा। किसके अंदर लिखना पड़ेगा? क्लास के अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है, है ना। देख, तो जावा का प्रोग्राम हमेशा क्लास के अंदर होगा। अब प्रोग्राम को कौन रन करता है? मेन। मेन को क्या बोलते हैं? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फंक्शन या मेथड। ठीक है, हाँ इसको बोलते हैं, है ना, कमांड लाइन आर्गुमेंट। अब ये क्यों होता है बाद में देखेंगे। ठीक है, अब इसका रहने दो। उसके बाद ये है ना पब्लिक और स्टैटिक होगा। पब्लिक ताकि बाहर से कॉल हो सके, क्योंकि JVM बाहर रहता है, इसको पब्लिक नहीं बनाओगे तो बाहर से कॉल नहीं हो पाएगा। स्टैटिक होता है ताकि जब JVM है ना क्लास को ले तो साथ में ये मेन भी चला जाए। स्टैटिक का मतलब होता है क्लास से बाइंड होना, क्लास के साथ बाइंड होना ड्यूरिंग प्रोग्राम कंपाइलेशन। जब प्रोग्राम कंपाइल होगा उस समय क्या हो जाएगा? ये भी बाइंड हो जाएगा, है ना, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करना पड़े, इसीलिए स्टैटिक दिया हुआ। ठीक है, कुछ भी प्रिंट करवाना है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या प्रिंट एलन। सिस्टम क्या है? क्लास है। आउट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। किसका? प्रिंट स्ट्रीम क्लास का। किसका? प्रिंट स्ट्रीम क्लास का। और ये हमारा प्रिंट या प्रिंट एलन क्या है? मेथड है, फंक्शन है। किसका? प्रिंट स्ट्रीम क्लास का। ठीक है, तो ये एक पैटर्न कहलाता है जिसको बोलते हैं सिंगलटन पैटर्न। क्लियर है? क्या बोलते हैं? सिंगलटन पैटर्न। देखो मैंने यहाँ पे कहीं पे डिटेल में लिख रखा होगा। देखो पब्लिक क्या है? ग्लोबल एक्सिलरेटिंग, कहीं से भी कॉल हो जाए। स्टैटिक क्या बोलता है ना? कंपाइल टाइम मतलब ड्यूरिंग प्रोग्राम कंपाइलेशन मेन इज लोडेड विद क्लास कंपाइलेशन। ठीक है, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करना पड़े। क्लियर है? तो प्रिंट स्टेटमेंट देखो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये क्या है? सिंगलटन पैटर्न है। सिस्टम क्या है? क्लास है। आउट क्या है? ऑब्जेक्ट है। प्रिंट स्ट्रीम क्लास का। प्रिंट क्या है? मेथड या फंक्शन है। प्रिंट स्ट्रीम क्लास का। ठीक है, अब जावा को चलाने के लिए कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या हैं? JDK है, JRE है और JVM। ये तीन चीज़ें होती है। JDK लाइब्रेरी होता है क्लासेस का, है ना, कलेक्शंस होता है जो प्रोग्राम बनाने में हेल्प करेगा, फंक्शंस देगा। ठीक है, JRE क्या है? जावा के प्रोग्राम को रन टाइम एनवायरमेंट देगा।
ठीक है। और JVM एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे जावा के प्रोग्राम चलते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट होते हैं, है ना। अपने आप जो मॉड्यूल्स आ रहे हैं जावा में, फंक्शन आ रहे हैं, क्लासेस आ रहे हो तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको आपको यूज करने के लिए मेन से यानी क्लास से ऊपर आपको ऐड करना पड़ेगा, उनको बोलते हैं पैकेज। लाइब्रेरी को यहाँ क्या कहते हैं? पैकेज। पैकेज को यहाँ पे ऐड करने के लिए, बुलाने के लिए, यूज करने के लिए क्या लिखना पड़ता है? इम्पोर्ट, इम्पोर्ट है ना कीवर्ड। जैसे ये जो आ रहा है ना सिस्टम क्लास, ये लैंग नाम के अंदर है, लैंग नाम के पैकेज के अंदर है। इसके अंदर है लैंग नाम के पैकेज के अंदर है लैंग्वेज, ठीक है ना। तो एक रूट पैकेज है जिसका नाम है जावा डॉट लैंग। लैंग जो है कहाँ पे है? जावा के अंदर, ये सब पैकेज है, ठीक है, उसके अंदर है सिस्टम। तो यहाँ पे ये सिस्टम के ऊपर इंपोर्ट किया, नहीं भी लिखोगे बाय डिफॉल्ट ये ले लेता है, पर कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है सिस्टम क्लास किस पैकेज के अंदर है, ठीक है, किस पैकेज के अंदर है? लैंग पैकेज के अंदर, ठीक है। ये समझ में आ गया, बता दिया यहाँ तक, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स करने हैं, ठीक है। वाई जावा मेन प्रोग्राम इनसाइड क्लास क्यों है बताओ? वाई जावा मेन प्रोग्राम इनसाइड क्लास, क्या आंसर होगा इसका? हाँ, क्योंकि जावा कॉल प्रोग्राम चलता है JVM में, और JVM क्या समझता है सिर्फ क्लास, ठीक है। वाई इट इज पब्लिक, क्योंकि JVM बात से पब्लिक, ठीक है। अच्छा आंसर खोल रखा है, अच्छा ठीक है। वाई द मेन मेथड इज स्टैटिक, क्लास कंपाइल होते ही मेन मेथड भी लोड हो जाए, ठीक है, क्लास कॉल होते ही मेन मेथड भी लोड हो जाए, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। वाई द मेन मेथड गेट्स स्ट्रिंग एरे, ठीक है, ताकि मेन जब कॉल हो और हम आर्गुमेंट भेजना चाहें तो किसी भी टाइप का भेज सकें, क्योंकि स्ट्रिंग के फॉर्म में कोई भी वैल्यू भेजा जा सकता है, क्लियर है। सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट, यहाँ पे सिस्टम आउट और प्रिंट, ठीक है ना। इट यूजेस विच पैटर्न एंड वाई? सिंगलटन पैटर्न, सिंगल लाइन नहीं, सिंगलटन, सिंगलटन पैटर्न, ठीक है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड पड़ रहा है। यदि हम प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते तो बार बार मेमोरी वेस्ट होगा, तो एक बार बना बनाया दे दिया गया है ऑब्जेक्ट, जो किसके अंदर रख दिया गया है? सिस्टम क्लास के अंदर, ठीक है। बाकी आंसर यहाँ दोबारा लिखा हुआ है, देख लेंगे। अब एक तो तरीका हुआ, ठीक है, जाओ में हाँ कुछ भी प्रिंट करवाना हो, क्लियर है। दूसरा क्या है? हाँ, और एक होता है प्रिंट एलन, ठीक है। दो तरीका होता है, प्रिंट से प्रिंट होकर के कंट्रोल वहीं पे रह जाएगा। देखो अब यहाँ प्रिंट लिखोगे है ना, दोबारा एक और बना लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी लिख दिया। अभी रन करोगे दोनों एक ही लाइन में प्रिंट होगा, है ना, लेकिन यहाँ प्रिंट एलन लगा दो तो क्या होगा? प्रिंट होने के बाद कंट्रोल अपने आप नीचे आ जाएगा, फिर ये प्रिंट होगा, समझ आ गया। तो प्रिंट एलन का मतलब होता है प्रिंट विथ लाइन चेंज या न्यू लाइन, ठीक है। एरर प्रिंट करवाओ तो ऐसे भी लिख सकते हो, सिस्टम डॉट एरर प्रिंट, है ना। आ गया, ठीक है ना। अरे कुछ भी प्रिंट हो गया, मतलब ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, या एलन कर दोगे तो नीचे आ जाएगा,
क्या बोलता है, दिस मेथड प्रिंट्स द स्टैंडर्ड एरर सिस्टम, ठीक है, एरर स्ट्रीम, है ना, जो प्रिंट स्ट्रीम का था ये एरर स्ट्रीम क्लास का है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग प्रिंट करवाना हो, ठीक है, क्या करना है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग हमें प्रिंट करवाना हो, जैसे सी में होता है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, ठीक है, इस तरह से, हाँ, फिर उसके बाद उसको प्रिंट करवा दो, ठीक है, या फिर इसी को सीधे प्रिंट करवाना है तो प्रिंटफ भी होता है। यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्रिंटफ, जैसे हमने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर ए इक्वल्स टू 5, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटफ, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं परसेंट डी ऑफ ए इन टू ए, आ गया, समझ में आया, ऐसे प्रिंटर भी लिख के प्रिंट करवा सकते हैं, फॉर्मेट बता सकते हैं, ठीक है ना, ये अलग अलग तरीके हैं प्रिंट करवाने के। सिस्टम डॉट कंसोल भी है ना, क्या बोलता है, ये रहा कंसोल क्लास, ये जावा 6 के में आया था, और उसके बाद जावा 6 से बिफोर नहीं मिलेगा ये, क्या, सिस्टम डॉट कंसोल मेथड अलाउ यू टू इंटरेक्ट विद द, है ना, कंसोल इन मोर कंट्रोल्ड मैनर, ठीक है, तो इस तरह से ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है, और फिर उसको यदि मेमोरी मिला तो फिर उसको कंसोल डॉट प्रिंट करवा देंगे, है ना, तो सिस्टम डॉट कंसोल ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, सिस्टम डॉट कंसोल डॉट, है ना, क्या था, सी छोटा है ना कंसोल का, डॉट प्रिंट, क्या बोल रहा है, प्रिंटर प्रिंटर था, डायरेक्टली कंट्रोल लिख रखा है, सिस्टम लिख रखा है, यहाँ लिख रखा है ना, लगा कहाँ पे, कोड में यहाँ है ना सिर्फ प्रिंट, तो आपने तो कोड लिखा उसमें एफ नहीं है, अपन ने तो अच्छा, कोड लिखा था। आ गया, तो ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इसी किसी ऑब्जेक्ट से रेफरेंस कर ले सकते हो, पहले कंसोल का ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी ले लिया पी, है ना, फिर यहाँ से इसको ऐसे करके बंद कर लिया, यहाँ लिख सकते हो पी, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, तो वो स्पेलिंग ठीक है, स्पेलिंग क्या बोल रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल, ओके, तो नाम तो कुछ भी दे सकते हैं, पर ये वाला सी तरह वो तो एंटर किया होगा इसलिए हो गया, स्पेलिंग ठीक है ना,
सिक्स के बाद है ना, यहाँ पे कहाँ? जावा फाइव लिखा, जावा फाइव लिखा, इन लोगों ने अपडेट नहीं करा, पर ऊपर तो चल गया ना डायरेक्ट। डायरेक्ट तो चल ही रहा, ठीक फिर है। क्लाइंट भी लिखा होता है। तो यहाँ पे यूज कर सकते हो, देखो वहाँ पे CMD। ऐसा करो, नोट पैड के अंदर लिख लो प्रोग्राम, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, ठीक है ना। और यहाँ पे लिख दो कंट्रोल वी, और इसको कर दो सेव। नाम दे दिया ये डॉट जावा, डेस्कटॉप पे ही रख लो। यहाँ पे कर दिया सेव, ठीक है सेव, है ना। अब उसके बाद यहाँ पे चलाना है CMD CD डेस्कटॉप, उसके बाद है ना कंपाइल करने के लिए लिखते हैं जावा सी, फिर फाइल का नाम ए डॉट जावा, एक कोमा लिख दिया, ठीक है। क्या बोल रहा लाल में फिर डिस्प्ले करना पड़ेगा, पर है? फिर करेंगे। यहाँ से पब्लिक हटा देना, ठीक है। आगे अब रन करने के लिए क्या लिखेंगे, जावा और क्लास का नाम। क्लास का नाम क्या था? मेन। आगे ना, अब इसका अलग से एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कंसोल पी सेमी कॉलन पी, सेव कर लिया। यहाँ पे ला करके कंपाइल, क्या बोल रहा है? यहाँ भी मना कर रहा है। हाँ नहीं, उससे तो नहीं पता, वो ये चीज को ले नहीं रहा। इसका रिटर्न टाइप कंसोल है नहीं लगता है। इसका रिटर्न टाइप क्या है? पीछे कंसोल करके देखो, एक मिनट, इसका रिटर्न टाइप क्या है देखो। रिटर्न टाइप क्या है यहाँ बता तो वही रहा है। चलो डायरेक्ट कर लेना, बाकी देख लेना R&D करना थोड़ा बहुत, ठीक है। तरीका तो यही है। तो इतने वे हैं प्रिंट करवाने के, ठीक है ना। तो जब जहाँ जरूरत लगे प्रिंट करवाना। अब देखो रन टाइम इनपुट के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, रन टाइम इनपुट के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पे, है ना। सिस्टम डॉट कंसोल, ओके। अरे ये चल जाएगा, ये IO है ना, वो पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट IO, जावा डॉट IO डॉट स्टार, स्टार का मतलब ऑल क्लासेस, पर ठीक है। हाँ यहाँ पे क्या करेंगे, सेव किया कंपाइल सी बड़ा होगा। ओहो चल गया ना, लाइब्रेरी ऊपर इंपोर्ट करना छूट गया था, आ गया, ठीक है। अब ये भी चल जाएगा, कंट्रोल और ऊपर IO लेगा, है ना। इस वाले नोट्स में अपडेट कर लो, यहाँ पे IO लेना पड़ेगा। ऊपर लिया हुआ है क्या? नहीं लिया हुआ ना, यहाँ पे लिख दो IO। ठीक है, अब रन टाइम इनपुट के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, है ना। अभी जैसे एक यहाँ मैसेज ले लो, एंटर नंबर, है ना, क्या ले लो, एंटर नंबर। अब यहाँ पे एक इंटीजर ले लेते हैं ए। अब इसमें रन टाइम इनपुट करवाते हैं, क्या करवाते हैं, रन टाइम इनपुट। रन टाइम इनपुट के लिए क्या ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, रीड लाइन, है ना, क्या ले लेंगे,
रीड लाइन, यहाँ पे लिखेंगे पी डॉट रीड लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद है ना, ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग, है ना, क्या रिटर्न करेगा स्ट्रिंग, हम उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखते हैं, इंट डॉट, ठीक है, इंटीजर डॉट पार्स इंट, ठीक है। अब इसको प्रिंट करवाना है तो फिर क्या लिख देंगे यहाँ पे, पी डॉट प्रिंट एफ, ठीक है। क्या लिखना है, ए इंटू ए कर दो, रन करो, क्या बोल रहा है, ए है ना ये, ओके। यहाँ पे फॉर्मेट भी तो लिखना पड़ेगा इंटीजर का, नंबर ले लो 8 84, आ गया। तो ऐसे हम इसको है ना कैलकुलेशन भी करवा सकते हैं, ठीक है। हाँ क्लियर है, वही चीज करवा यहाँ पे, ठीक है। ये सारे अलग अलग इनपुट और है ना प्रिंट के फंक्शंस हैं। एक और आता है लॉगर डॉट गेट लॉगर, ठीक है। ये किसमें अंदर आता है, जावा डॉट यूटिल डॉट लॉगिन के अंदर आता है, ठीक है। तो लॉग प्रिंट करवाना हो तो ऐसे करवा सकते हो, है ना। ये प्रीडिफाइन क्लास होता है, पहले पास करना पड़ेगा यहाँ पे, ये फिक्स है, ठीक है। एक होता है प्रिंट राइटर, है ना, ऐसे प्रिंट राइटर के थ्रू भी करवा सकते हो, है ना। तो प्रिंट राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लोगे, यही तक करो, है ना, लॉगर से पहले तक करो, अभी तक जितना बताया उतना करो, चलो करो।